तो 18वीं लोकसभा का पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लगातार तीसरी बार जनता का जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। तो भारत के लिए बेहद गौरवशाली दिन है आज। आज से 18वीं लोकसभा का आगाज हुआ है, मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। जोरदार स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो पहुंचे नए संसद भवन में, मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते हुए सभी का अभिवादन, सम्मान और प्रेम को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम के लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के साथ ही मोदी मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया और शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम माननीय सदस्य हैं, उन्होंने नए संसद भवन में लोकसभा के पहले सत्र के दौरान शपथ ली। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित किया। पीएम ने नई लोकसभा के पहले सत्र के शुभारंभ को गौरवमय और वैभव का दिन बताया। प्रधानमंत्री ने सभी नव निर्वाचित सांसदों का स्वागत किया। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। तो प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए देश का आभार जताया। पीएम ने विश्वास दिलाया कि सरकार देशवासियों के भरोसे पर खरी उतरेगी। जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। पीएम ने कहा कि देश उस दौर को नहीं भूलेगा जिसमें संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी
इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने आम सहमति के साथ आगे बढ़ने की बात कही। पीएम ने कहा कि देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है, देश विपक्ष से लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा को बनाए रखने की उम्मीद करता है। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की, लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आज संसद के